Hello everyone, this is Saloni. Today we are going to continue class 9th mathematics chapter 6 lines and angles. Question number 4th. In figure 6.42, if lines PQ and RS intersect at point T such that angle PRT is equal to 40 degree, angle RPT equal to 95 degree and angle TSQ equal to 75 degree, find angle SQT. SQT, ये वाला angle हमें find करना है. यहाँ पर देखते हैं तो ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इस एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे हम लगाते हैं एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस एंगल पीटीआर इक्वल 180 डिग्री. 135 डिग्री प्लस एंगल पीटीआर इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल पीटीआर इक्वल 180 माइनस 135. एंगल पीटीआर इक्वल 45 डिग्री. एंगल पीटीआर आया 45 डिग्री. अब ये अगर 45 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल भी 45 डिग्री होगा. मतलब एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल एस टी क्यू बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री. ये आ गया 45 डिग्री. अब अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये वाला एंगल निकलेगा. यहां पे हम लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. किसके लिए? ट्रायंगल एसक्यूटी के लिए. यहां पर एंगल एसटीक्यू प्लस एंगल टीएसक्यू प्लस एंगल एसक्यूटी इक्वल टू 180 डिग्री. एस टी क्यू 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल 180 डिग्री. एंगल एस क्यू टी इक्वल 180 माइनस 120 डिग्री. एंगल एस क्यू टी इक्वल 60 डिग्री. आंसर तो एंगल एस क्यू टी हमारे पास आ गया 60 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 5th है, इन फिगर 6.43, इफ PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, PQ इज पैरेलल टू SR, एंगल SQR इक्वल टू 28 डिग्री एंड एंगल QRT इक्वल टू 65 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y. यहाँ पर X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है. ये 28 डिग्री दिया है, ये 65 डिग्री है और ये राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री. अब यहाँ पर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले सकते हैं क्योंकि ट्रांसवर्सल क्यू आर है. तो एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल क्यू आर टी बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंगल पी क्यू आर में जो एंगल पूरा आ रहा है वो है x और 28, मतलब हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 28 डिग्री इक्वल 65 डिग्री. x इक्वल टू 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, x इक्वल 37 डिग्री. x आ गया 37, ये 90 डिग्री है. y हमें फाइंड करना है. अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल PQS प्लस एंगल QPS प्लस एंगल PSQ इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल PQS X से और X की वैल्यू आ चुकी है 37 डिग्री प्लस ये राइट एंगल 90 डिग्री प्लस एंगल PSQ इक्वल टू 180 डिग्री. 127 डिग्री प्लस
पी एस क्यू वाई है, वाई इक्वल टू 180 डिग्री, वाई इक्वल 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, वाई इज इक्वल 53 डिग्री। आंसर तो एक्स आया 37 डिग्री और वाई आया 53 डिग्री। आंसर एक्स इक्वल टू 37 डिग्री, वाई इक्वल टू 53 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल्स इक्वल है, तो पहले तो हम इन एंगल्स को नाम दे देते हैं। एंगल पी को 1, एंगल टी 2, एंगल क्यू 3, और ये बाइसेक्टर से दोनों एंगल क्या हो गए इक्वल, तो ये भी 3, ऐसे ये वाला 4 और ये भी 4। अब हम दोनों ड्रॉ को पहले सेपरेट कर लेते हैं। पी क्यू आर एस, पहले हम ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं एक्सटीरियर एंगल की, तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में पहले हम लेंगे एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर। यहाँ पर एंगल पी आर एस है 4 और ये 4, मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 4 इक्वल पी क्यू आर 3 है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल क्यू पी आर 1 ट्वाइस एंगल 4 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 3 प्लस एंगल 1। एंगल 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 4 माइनस ट्वाइस एंगल 3। एंगल 1 इक्वल टू, दोनों में से 2 कॉमन, एंगल 4 माइनस एंगल 3। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब सेकेंड ट्रायंगल लेते हैं टी क्यू आर। इन ट्रायंगल टी क्यू आर यहाँ पे अगेन हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल टी आर एस इक्वल एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। एंगल टी आर एस है 4 इक्वल एंगल टी क्यू आर है 3 प्लस एंगल क्यू टी आर है 2। एंगल 4, एंगल 3, एंगल 2, पर हम एंगल 2 में इसे कन्वर्ट कर देते हैं, तो एंगल 4 माइनस एंगल 3, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यहां पर हम एंगल 2 की वैल्यू, मतलब कि एंगल 4 माइनस एंगल 3 क्या आया 2, तो यहाँ पे एंगल 4 माइनस एंगल 3 की जगह हम एंगल 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 2। अब हमें प्रूफ करना है एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। सबसे पहले एंगल 1 हमने क्या माना था, क्यू पी आर, यहां लिख सकते हैं एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू ट्वाइस, एंगल 2 था क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर। अब ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो एंगल क्यू टी आर बचेगा यहां से इक्वल, ये डिवाइड में आएगा तो हाफ एंगल क्यू पी आर, आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।